नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचार। परिप्रकाशनले आयोजन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सवको आज अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न। खरसाङ क्षेत्रका शिक्षाविद एवं वरिष्ठ समाजसेवी साथै पूर्व शिक्षक सप्तबहादुर प्रधानको आज गरियो अन्तिम संस्कार। 7 वर्षीय बालकको मृत्युपछि परिवार आक्रोशित, सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा हङ्गामा, डाक्टरमाथि लापरवाहीको आरोप। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब सुन्नुहोस् समाचार पूर्ण विस्तारमा। परिप्रकाशनले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सवको आज अन्तिम दिन रहेको थियो। आजको अन्तिम दिनको कार्यक्रममा परिप्रकाशनका प्रमुख संरक्षकको रूपमा रहेका राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोले साथै उनकी धर्मपत्नी कृष्ण कुमारी राई दुवैजना उपस्थित रहेका थिए। यस वर्ष डाक्टर गीता निरौला अनि लेखक भीम ठटाललाई परि पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो। आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न लेखकहरूद्वारा लिखित पुस्तकहरूको विमोचन पनि गरिएको थियो। त्यसै गरी अन्तर्विद्यालय अनि महाविद्यालय कविता वाचन प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो। त्यसै गरी आयोजित कार्यक्रमको अवसरमा विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्था अनि प्रकाशनहरूलाई मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान जनाइएको थियो। खरसाङ क्षेत्रका शिक्षाविद एवं वरिष्ठ समाजसेवी साथै पूर्व शिक्षक सप्तबहादुर प्रधानको आज अन्तिम संस्कार सम्मान र अन्तिम श्रद्धाञ्जली सहित गरिएको छ। उनको पार्थिव शरीरलाई खरसाङ बजारस्थित घरबाट निकालेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नलाई गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङमा लगिएको थियो। उनको पार्थिव शरीरलाई गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको टिएस गुरुङ मञ्चमा राखेर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पणसहित श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। उक्त श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमलाई पुस्तकालयको मूल सचिव विनोद रसाइलीले सञ्चालन गरेका थिए भने वक्तव्यको क्रममा वरिष्ठ नाट्य कलाकार विनोद प्रकाश शर्मा, पुस्तकालयको वरिष्ठ सदस्य आयन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार केशव प्रधान आदिले सप्तबहादुर प्रधान विषयमा जानकारी गराएका छन्। वक्ताहरूले उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यसै क्रममा पण्डित तुलसी प्रसाद अधिकारीद्वारा मन्त्र उच्चारण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। श्रद्धाञ्जलीको क्रममा गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको उपाध्यक्ष देव प्रकाश प्रधान र कृष्ण पाण्डेद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। त्यसपछि नेवार जातीय रीतिरिवाजमा उनको पूजा अर्चना गरेर श्रद्धाञ्जली सहित पार्थिव शरीरलाई पुस्तकालयबाट निकालेर खरसाङ बजार परिक्रमा गरेर अन्तिम संस्कारको लागि लगिएको छ। समाजसेवी एवं पूर्व शिक्षक सप्तबहादुर प्रधानको निधन हिजो बिहान 90 वर्षको उमेरमा भएको थियो। उनको निधन साथै योगदान र आज सम्पन्न श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको मूल सचिव विनोद रसाइलीले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। आज विशेष गरी खरसाङवासी शोक सन्तप्त एउटा समयमा छ है, र विशेष गरी हामीले हाम्रा वरिष्ठ समाजसेवी, आदर्श शिक्षक तथा समाजलाई सधैँभरि डोऱ्याएर ल्याउने एकजना व्यक्ति हामीले गुमाएका छौँ। आदरणीय श्री सप्तबहादुर प्रधान, जसलाई हामी सप्तसर भनेर आदर गर्ने गर्थ्यौँ है, उहाँ गोर्खा जनपुस्तकालयका 1961 1973 लगभग 12 वर्ष उहाँले सचिवको पदमा रहेर गोर्खा जनपुस्तकालयले सेवा पुऱ्याउनु भयो। र उहाँले गोर्खा जनपुस्तकालयलाई धेरैवटा उल्लेखनीय कामहरू गरेर सेवा मात्रै होइन एउटा मार्गदर्शन पनि गर्नुभयो। र उहाँले सुरु गर्नुभएको कतिवटा कामहरू आज पनि गोर्खा जनपुस्तकालय निरन्तर रूपमा निर्माण छ। र गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका उहाँ एकजना आजीवन सदस्य मात्र नभएर एकजना स्वर्ण सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले 50 वर्षभन्दा लामो समय गोर्खा जनपुस्तकालयमा एकजना सदस्यको रूपमा रहिआउनु भएको हो। र उहाँ एकजना अनुशासित शिक्षक, 40 वर्षसम्म उहाँले शिक्षण। सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा उपचारमा लापरवाहीका कारण बालकको मृत्यु भएको घटनाले सनसनी मचिएको छ।
आइतबार एक बालकलाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल ल्याउँदा चिकित्सकले जाँच नगरी निको भएको घोषणा गर्दै घर लैजान आग्रह गरेको आरोप छ। तर केही समयपछि बालकको मृत्यु भयो। यसबाट आक्रोशित भएर मृतक बालकका आफन्तले अस्पतालको आकस्मिक विभाग अगाडि प्रदर्शन गर्न थाले। अस्पतालको आकस्मिक वार्डमा ड्युटीमा रहेका डाक्टरले बच्चाको जाँच नगरी परिवारका सदस्यलाई दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनले डाक्टरलाई जिम्मा लगाउन माग गरेका छन्। खबर पाए लगतै स्थानीय खालपाडा पुलिस चौकीबाट ठुलो संख्यामा पुलिस टोली घटनास्थल पुगेको थियो। सिलगढी पुलिस चौकीका आइसी र खालपाडा चौकी थानाका ओसी घटनास्थल पुगेका थिए। पुलिसले मृतक बालकको परिवारलाई साथ दिने आश्वासन दिए पनि अवस्था सामान्य हुन सकेको छैन। पीडित बालिकाका परिवारले आरोपी डाक्टरको खोजीमा अस्पताल छिर्ने प्रयास गरेका थिए। घटनालाई लिएर सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा निकै सनसनी मचिएको छ। लेके आएंगे सिविल में, हम लोग को इलाज सही से चाहिए। और अभी जो लेके आए भर्ती करने, क्यों नहीं भर्ती लिया? फिर बच्चा का जब सीरियस हालात है, बोला नहीं भर्ती नहीं करेंगे और घर में। कल तो सोमवार है, अभी एक दिन कैसे बच्चा बर्दाश्त करेगा? फिर बाहर लेकर निकला, बच्चा सीरियस गया, फिर जाकर बोला तुम लोग क्यों चिल्लाता है इतना, तुम लोग इतना चिल्ला मत, अच्छा ठीक है लोग लिख दे रहा भर्ती करो। जब भर्ती किया, जब बाद में लिखा, बच्चा खत्म हो गया। फिर बच्चा को पहले डॉक्टर क्यों नहीं देखा? हम लोग को यही मतलब है, डॉक्टर का ऐसा क्यों करता है? सिविल हम लोग लेके आएंगे, डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा बार बार? हम लोग को डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर से हम लोग बात कर लेंगे, बस हम लोग का काम खत्म। हम लोग का 8 साल का बच्चा पोसा पाला, 8 साल का बच्चा कैसे हम लोग भूल जाएंगे? पहले बताइए, कुछ भी नहीं हुआ था सर, सुबह सही था। हम मैं तो घर वहीं पे ना, मैं दुकान है। बच्चा उठा, बड़ा बाथरूम करेंगे, बाथरूम करेंगे और बच्चा हाथ पर हट गया। तो हम लोग बस सिविल में कल छुट्टी करा के लिए, सिविल लेके जाओ, है ना, एक बार वहाँ डॉक्टर देख लेगा। लेके आए यहाँ, डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा है, और घर में दिखाना कल सोमवार, कल और चिल्ला मत यहाँ, मैं मत करो यहाँ, और घर में दिखाना। ऐसा क्यों बोलेगा भर्ती? तुम यहाँ क्यों बैठा है? उसके बाद फिर भर्ती नहीं ले, बाहर लेके निकल के फिर बच्चा ऐड किया, तब फिर डबल लेके गया, तब फिर भर्ती किया। यही बात है, बच्चा भर्ती क्या डेट हो गया? पहले तुम देखे थे ऑक्सीजन लगा था, यहाँ पर सुई दवाई चलता, बच्चा तो डेट नहीं होता। नहीं हुआ था ट्रीटमेंट, नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है बच्चा का, भर्ती ले रहा ही नहीं था। सिक्किम सरकारको पहलमा गान्तोकको एसटिएनएम अस्पतालमा मुटु रोगीहरूको निशुल्क अपरेसन सम्पन्न भएको छ। मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अविनाश वर्माको उपस्थितिमा गान्तोकको सोचेगाङ अस्पतालमा मुटु रोगीहरूको निशुल्क अपरेसन कार्य सम्पन्न भइरहेको छ। सोचेगाङ अस्पतालमा सम्पन्न भइरहेको 2 दिवसीय मुटु रोग सम्बन्धी हेल्थ क्याम्पको आज अन्तिम दिन रहेको थियो। आजको अन्तिम दिनमा सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण विभागका मन्त्री जीटी ढुङ्गेलले अस्पतालको भ्रमण गरेर बिरामीहरूको स्वास्थ्यको जानकारी लिएका थिए। यस वर्षको निशुल्क उपचारमा सिक्किम लगायत छिमेकी क्षेत्र दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ गरेर लगभग 25 जना बिरामीहरूले लाभ उठाएका छन्। आज डुक्पा वेलफेयर एसोसिएसन केन्द्र समितिको निजी कार्यालय जोरबङ्लोमा सभापति साङ्गे डुक्पाको अध्यक्षतामा 11 शाखाहरू लिएर सभा गरिएको केन्द्र सभापति साङ्गे डुक्पाले प्रेसलाई बताएका छन्। सभामा महासचिव बुद्ध छिरिङ डुक्पाद्वारा एसोसिएसनले अहिलेसम्म गरिएको काम विषय जानकारी गराए। कोषाध्यक्ष पेम्बा छिरिङ डुक्पाले आय व्ययको हरिसाब सबैलाई जानकारी गराए। सभामा उपस्थित शाखाद्वारा पनि असल सुझाव राखेका थिए। विशेष आजको सभामा सभापति साङ्गे डुक्पाद्वारा आगामी 7 दिसम्बर भारतका स्वतन्त्रता सेनानी गागा छिरिङ डुक्पाको 115 जयन्तीसँगै आमसभा घुममा मनाउने राय पारित भएको बताएका छन्। समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्राम। सॉरी पापा, मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्य है, सुकून है। अरे क्या हुआ, हटो। अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है, हटो अभी। हो गया, चलो आ जाओ। ये सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए, अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डामरो बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार।
We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, makes students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, बिसाइड चेतना Nursing Home, 9832341000. Visitors rave about Glenaries. Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Punjab State Year 200 monthly lottery. Pahilo puraskar 1 crore 50 lakh. Guaranteed puraskar. Ticket ko moolya 200 rupya. Pahilo puraskar keval bikri bhai ka ticket baata. समय में रुपए को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकम भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ घर बनाउन उच्च शिक्षा लिन सुख साधन किन्न सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन होस में जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनु होस म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य तो सुनिए मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823 इंटेलेक्ट क्वेस्ट आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव जल्दी करें सीटें सीमित हैं नमस्ते मैम डाइनिंग टेबल जी मैम आइए बैठिए मैम सच में श्रोते बहुत बढ़िया है एकदम जबरदस्त सच में बहू मान गए वेरी गुड मॉम और भी ऑप्शन है मैम सोफा जी मैम श्रोते क्या सोफा है और भी ऑप्शन है मैम और भी ऑप्शन अवेलेबल है मैम अभी तो लोन लेना पड़ेगा वो भी अवेलेबल है बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में आप बैठ कर लेट कर गद्दे पे उछल कर हर तरीके से देख सकते हैं हिमालयन केन फर्नीचर सारे ऑप्शंस खुले हैं सॉरी पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ
इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फर माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारंटीड, 3 करोड़ को 2 वटा पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कार हरू। टिकट मूल्य 500 रुपया, ड्रॉ 9 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालीको करोडपति। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सिड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी टीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना? है? 70% डिस्काउंट। हाँ? अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं, ऑफर निकलना चाहे। विश्राम पछि समाचार पुनः विस्तारमा। शेर्पा वेलफेयर सोसाइटीका युवाहरूको 2 दिने श्रमदान अनि सभासद श्याम शेर्पाको सहयोगमा गुम्बा र गाउँ जाने बाटो निर्माण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 28 नम्बर समष्टि अन्तर्गत पर्ने शेर्पा बस्तीमा आज शेर्पा वेलफेयरका युवाहरूद्वारा गुम्बा र गाउँ जाने बाटोमा दिनभरि ढुङ्गाको सोरिङ लगाउने कार्य गरिएको थियो। आज शेर्पा वेलफेयर एसोसिएसनको 45-50 जना सदस्यले ढलाइ गर्ने कार्य गरे। बाटोको लागि सरसामानहरू बालुवा, गिटी, सिमेन्ट 28 नम्बर समष्टिको सभासद श्याम शेर्पाले प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त कार्यमा सभासद श्याम शेर्पा पनि बिहान 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म सहभागिता जनाएका थिए। यस कार्यक्रमबारे शेर्पा वेलफेयरको सचिव कर्म शेर्पाले जानकारी गराए अनुसार शेर्पा वेलफेयर एसोसिएसन युवाहरूको जमात हो, साथै सर सल्लाहको लागि उमेरमा ठुलाहरूले पनि साथ दिने गर्दछ। यसले गाउँमा आइपरेको बेला सघाउने र सामाजिक कार्यहरू गर्ने गर्दछ। महिनामा एकपल्ट गाउँ सफाई गर्ने गरेको पनि उनले बताए। नमस्कार, हामी सबैजना शेर्पा बस्ती वेलफेयर सोसाइटीबाट नारीद्वारा खाजा चमेनाको बन्दोबस्त गरिरहेको छौँ। अनि तल हाम्रो दाजुभाइहरूले बाटोको मर्मतीको काम गरिरहेको छ, यसमा हामी सहयोग दिनु पाउँदा हामी धेरै नै खुसी छौँ। दोस्रो नमस्ते खरसाङ सम्मान यसपालि वरिष्ठ समाजसेवी टिटि लामालाई प्रदान गरिएको छ। नमस्ते खरसाङको आयोजनामा सुरु गरिएको पहिलो नमस्ते सम्मान खरसाङ महकुमा खेलकुद सङ्घको सभापति मोहन योञ्जनलाई प्रदान गरिएको थियो भने दोस्रो सम्मान वरिष्ठ समाजसेवी टिटि लामालाई प्रदान गरिएको छ। उक्त सम्मान स्वरूप खदा अर्पणसहित सल ओढाएर नेपाली टोपी, स्मृति चिन्ह, सम्वर्धना पत्र लगायत नगद राशि प्रदान गरेर सम्मान जनाइएको छ। उक्त सम्मानपछि समाजसेवी टिटि लामाले नमस्ते खरसाङप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यस सम्मान विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै नमस्ते खरसाङको प्रबन्ध निर्देशक निर्मल गुरुङले विस्तृत रूपमा बताएका छन्। लामो समयसम्म बिजनबारी क्षेत्रको शैक्षिक स्तरलाई उच्चो राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको भन्दै बिजनबारी महाविद्यालयका प्राचार्य तथा शिक्षाविद डाक्टर आरबी भुजेललाई बिजनबारीवासीले नागरिक सम्मान प्रदान गरेका छन्। शनिबार बिजनबारीको एक निजी होटलको प्रेक्षागृहमा आयोजित कार्यक्रमबीच उनलाई आदरसहित अङ्गव्रस्त, शिरशोभा, खदा अनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान गरिएको हो भने डाक्टर भुजेललाई बिजनबारी क्षेत्रका सामाजिक संस्थाहरू उम्मीद, कला सङ्गम, नारी कल्याण सङ्गठनसँगै मर्चेन्ट्स एसोसिएसनले पनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान जनायो। कार्यक्रममा नागरिक सम्मान समिति संयोजक पुनम दर्नाल, वरिष्ठ साहित्यकार मनप्रसाद सुब्बा लगायत बिजनबारी क्षेत्रका व्यक्तिविशेषसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो।
डाँडगाउँ खेल मैदानमा स्वर्गीय रन्जुराई स्मृति कप फोर साइड खुल्ला लातेबगुन्टो प्रतियोगिता शुभारम्भ भएको छ। युथ स्पोर्टिङ क्लब सभापति सुदीप राईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथि मजुवा ग्राम पञ्चायत प्रधान रोगेन वाङदी लेप्चाको उपस्थितिमा विशिष्ट अतिथिहरू मजुवा ग्राम पञ्चायत सचिव कुशल सुब्बा, ग्राम पञ्चायत सदस्य मोहन राई, पञ्चायत सदस्य आरती शेर्पा लगायत अन्य विशिष्ट जनहरूको उपस्थितिमा विभिन्न रङ्गारङ्ग कार्यक्रमको साथमा पहिलो खेल युनाइटेड ब्रदर्स बनाम सिएसी नेपालमाझ प्रथम भिडन्त भयो, जसमा यथावत समयसम्म कुनै गोल हुन नसक्दा 5 मिनटको अतिरिक्त समयपछि 4 पेनल्टी सुटआउटमा सिएसी नेपालले 2 गोल गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसै गरी दोस्रो खेल 0 पोइन्ट रकेट बनाम पाथ फाइन्डर्सको माझ सोझो टक्कर भयो भने शून्यको विरुद्ध 2 गोल दागेर 0 पोइन्ट रकेटले दोस्रो चरणमा स्थान सुनिश्चित गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसकेलाई।